अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश विरोधी गतिविधियां करने वालों की कोई जगह नहीं है। डिप्टी सीएम ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारों पर देश में उपद्रव फैलाती थी पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करते हैं। वहीं अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, सपा अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। जनपद के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समीक्षा की। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, साथ ही उन्होंने उससे पहले निकाय चुनाव के लिए भी मजबूती से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह डिप्टी सीएम बाद में है, पहले भाजपा के आम कार्यकर्ता है। पीएफआई पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएफआई हमेशा ही अच्छे कार्यों में अड़ंगा लगाने का कार्य करती है और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी था और वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 4 चुनाव में जनता ने चारों खाने चित कर दिया है, इसी कारण से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह गया है। उप मुख्यमंत्री बोले कि इस जिले में 2017 से पहले क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपी नहीं है। सपा सरकार में अराजकता और गुंडा राज पूरी तरह हावी था, महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। आज भाजपा के भयमुक्त महिलाओं को सुरक्षित समाज दिया है, अपराधों में गुणात्मक गिरावट है, प्रदेश के किसानों के लिए भी सरकार निरंतर कदम उठा रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर हमला बोलते हुए कहा यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने कभी भी कोई देश के हित में अच्छा से अच्छा काम हो उसके अंदर ये पीएफआई के लोग घुस करके समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करते थे। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के द्वारा बताए गए कार्यों को यहाँ अंजाम देने का अपराध करते थे। उनको ये नहीं मालूम था ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है और इस नए भारत में आतंकवाद के लिए देश विरोध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज ये भारत सहित उससे जुड़े हुए संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। मैं निश्चित तौर से आज फर्रुखाबाद की बैठक से कह सकता हूँ जो देश के हित में काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है, भाजपा की सरकार उसके साथ है, भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ है। लेकिन जो देश इनके विरुद्ध काम करेगा, भाजपा का कार्यकर्ता भी उसके खिलाफ है, भाजपा की सरकार भी उसके खिलाफ है और उसका जवाब जब भी समय आएगा देश की जनता देगी, प्रदेश की जनता देगी, गांव और नगर की जनता देने का काम करेगी। आप सब कार्यकर्ता साथी, मैं नहीं जानता यहाँ मेरे पत्रकार कुछ है क्या है? तब तो भाई मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करना चाह रहा हूँ।